सो आज है ट्रैवल धनोल्टी का और सुरकंडा तक ट्रिप तो ऑलमोस्ट मेरे ब्लॉग में आ चुका है एक बार, तो मैंने शूट करना वो नहीं करा तो इसलिए मैं सीधा धनोल्टी का ट्रिप बना रही हूँ। तो अब हम धनोल्टी पहुँच चुके हैं और निकल गए थे हम 2 बजे घर से और आज हमारे बीच है मेरा देवर जो भूत बना हुआ एक और भैया, इनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी इनके लिए और मेरी ननन और इनकी वाइफ हैप्पी एनिवर्सरी। तो हमने ट्रिप बना दिया कि घूमते थोड़ा, तो आज घूमने का प्लान करा और हमारे साथ 2 बच्चे हो रहे हैं, एक स्वयं और एक कुकू। तो कुकू हाय बोलो, हाय कुकू तो हमेशा मैगी खाता रहता जब भी आता। स्वयं हाय, चाउमीन ऑर्डर कर दिए और अब हमें भूख लगी थी चाउमीन, अरे और दाल चावल भी खा लेंगी, इधर आना कुछ लीजिए आप भी खा लीजिए। एंटर कर चुके हैं और सबसे पहले बच्चों को जाने की बहुत जल्दी होती है इस पार्क में। ए काउंटर जब भी होगा पहले टिकट कटेगी और तब हमें एंट्री मिलेगी। सो अब चलते हैं हम आगे इस पार्क के। सो ये पार्क है, यहाँ से एंट्री होती है इस पार्क की और यहाँ पे फोटो शूट के लिए जो भी होगा और हाथी वगैरह जो बच्चों के लिए झूले वगैरह। और आराम से जाना है गिन्नानी। सो पेड़ देखिए यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे हैं और यहाँ पे ये जो ट्रैकिंग होता है ट्रैकिंग वो भी है। दोनों तो घूमने में लगे, ये दोनों मजे ले रहे हैं इसका, इन्हीं को मजे है, हमारे तो बस घूम ही रहे, हम घूम ही रहे, फोटो शूट कर रहे, घूम रहे, थोड़ा सा झूले में बैठे उस पर लड़के सफर यहीं पे धनोल्टी पे। वैसे ये पार्क है देखने लायक और कुछ नहीं है, देखने लायक क्या, बच्चों को घूमने लायक है और बड़ों को क्या मजा आएगा इन पार्क में। और कुछ नहीं है और